माशाल्लाह माशाल्लाह, जो काम शहंशाह अकबर नहीं कर पाए वो काम हमने कर दिखाया। एक बात बताएं प्रताप, तुम्हारा दुश्मन इतना ताकतवर है, अगर हम तुमको उसके हवाले कर दें तो इस पूरे बड़े सगीर का मालदार सूबेदार बन जाऊं। यदि शक्तिशाली शत्रु से संकेत उस मुगल की ओर तो तुम्हें बता दें कि कई बार वो हमारे हारे हाथों पराजित है। वो तुम्हारे और शहंशाह के बीच का मसला है, हम तो यहाँ पुराना हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। बड़ी बेदर्दी के साथ तुमने हमारे अब्बू मरून की जान ली थी, बड़ा तड़पाया था उन्हें, और आज बराबर करेंगे वो हिसाब, और वो मसला बराबर होगा हमारी मौत से, और मौत भी होगी हमारे हाथों से। हमने आत्मसमर्पण करके अपना वचन पूरा किया। अब तुम बिजोलिया को छोड़ दो और हमें जहां लेकर जाना चाहते हो ले चल। नहीं, मतलब तुमने सोच कैसे लिया कि हम अपना कॉल पूरा करेंगे? यहाँ की रियाया और हथियार सब हमारे कदमों में झुक चुके हैं, और यहाँ तक कि यहाँ का मसीहा खुद ब खुद निहत्ता हमारे सामने कैदी बनने के लिए खड़ा हुआ। ये सब सब हमारा है, ये बिचौलिया हमारा है, तुम ही हमारे हो। आत्मसमर्पण हमने नहीं तुमने किया है, याद नहीं बादशाह खान? श्वेत ध्वज तुमने लहराया था, हमने नहीं। बोलो बोलो क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? श्वेत ध्वज का अर्थ जानते हो? आत्मसमर्पण तो तुमने किया है। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे सामने इतने आत्मसमर्पण करेंगे? हमारे पास पास हमारे हाथों से की प्रशिक्षित सशक्त सेना बिना और हमारे पास पास हमारी प्रजा हजा जिसने हर साल अपने राज्य का साथ साथ बाईजीलाल की एक आवाज आवाज पर सर्वस्व बलिदान किया। बोलो बोलो सच कह रहे हैं कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है बादशाह? हमारे सिपाहियों का सर तुम्हारे लिए झुका है? नहीं बादशाह खान, ये तो अपनी मातृभूमि को जी भर के देख रहे हैं, अपना सर्वस्व बलिदान करने के पीछे ये अपनी मिट्टी को देख रहे हैं। बादशाह खान, हमारा हर सिपाही मातृभूमि से बात कर रहा है, कह रहा है मां बस अब और आपका ऋण चुकाने का समय आ गया। हमारे रक्त की एक एक बूंद आपके ऋण से उऋण होने की उबल रही है। आज केसरिया बाने को रक्त से लाल करना है। आज इन आक्रमणकारियों को हर मूल्य यहां से खदेड़ के बाहर फेंकना है। मां उठो मेरे वीर सिपाहियों और दिखा दो इन अफगानों कि हमारे शीश जब भी झुकते मातृभूमि के लिए कटते
शत्रु के समक्ष तन के सारे तमाम बिजौलियावासी हमारे कैदी हैं और इनके सबके सर सर हमारे सामने झुके होने चाहिए। चलो चलो सबके सर झुकाओ। नहीं, कोई अपने सर नहीं झुकाएगा। सक्रांता के सामने उठाओ अपने सर और मुंह तोड़ जाओ अपने अफगानों को। तो ये बात सैनिकों का उत्साह बढ़ाने की योजना थी कोई प्रताप की। मान गए यही उत्तर होता है सम्मान का। मारेंगे। देखो प्रताप, हम तुमको तुम्हारी जमीन पे मौत के घाट उतारने से गुर्रेज कर रहे थे। हमने सोचा छोड़ो, बेवजह हंगामा हो जाएगा। तुम तो हमारी बात मान ही नहीं रहे। लगता है हमें तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। देखो प्रताप, खुदा की कसम हम तीन तक गिनेंगे। यहां तो तुम चुप हो जाओ वरना सच में हम तुम्हें खत्म कर देंगे। देख लिया साथियों कितना भयभीत है ये हमसे। सिपाहियों चुन चुन के मारे अफगानों को। आज अपनी मां के ऋण से उऋण होना है। एक आज इन अफगानों को खदेड़ के धरती से बात फेंकने का समय आ गया है। दो उठो हमारे साथियों और फेंक दो इन्हें बाहर। जाओ बादशाह, अब एक भी पग आगे मत बढ़ाना। नहीं मां, अब पीछे हट जाइए। अरे वाह, बड़े कमाल का रिश्ता होता है ये मां बेटे का। देखो इनकी आंखों में मोहब्बत कैसे उफन उफन के छलक रही है अपने प्रताप के लिए। हुजूर, ये सच में मां बेटे नहीं है। पता है। ये इसकी सास है और ये इनके दामाद, मतलब बेटे जैसे दामाद। यहां सारा मसला बेटी के सुहाग के लिए है। मां जी, अगर आप चाहती हैं कि हम प्रताप को ना मारें तो आपको हमसे एक सौदा करना होगा। आप प्रताप को बोलेंगी कि वो अपने सिपाहियों को हमारे खिलाफ मारपीट के लिए ना भड़काए। और दूसरा सौदा, आप चुपचाप अपना सर हमारे कदमों में झुकाएं। बादशाह खान, नहीं मां, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं,
अब वहीं रहिए, मां वहीं रुक जाइए। सिपाहियों अपने हथियार डाल दो। वाह, ये तो कमाल हो गया। और अभी भी हमें पूरा मजा नहीं आ रहा, अभी भी सौदे की दूसरी बात पूरी होनी बाकी है। अभी भी आपको हमारे कदमों में सर झुकाना। अगर आप हमारे कदमों में सर नहीं झुकाएंगे तो हम प्रताप को खत्म कर देंगे। नहीं भाई, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस मां, बस। आपने सुना नहीं कौन प्रताप ने क्या कहा? मां भाई रुक जाइए। आपको हमारी संगत, आपको इसके आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं मां, नहीं मां, रुक जाइए मां, रुक जाइए। बाप बाप मांगे मत, बढ़िए। कर दे छेद छेद। सोच लीजिए, इसकी मौत की जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं। हम आ चुके हैं, छोड़ दीजिए इन्हें। अगर इसकी जान बचानी है तो जल्दी हमारे पांव आओ। ये माँ अपने बेटे के लिए कोई भी अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है। सदियों से हमारे माँ ने अपनी संतान के लिए सब कुछ सहा, यही होता आया है और यही होता रहेगा। किंतु एक राजपूत वीर के लिए उसकी माँ से अधिक महत्वपूर्ण उसकी धरती माँ होती है, उसकी मातृभूमि होती है। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कुछ भी। इसीलिए ये माँ अपने वीर पुत्र के लिए तुम्हारे पैरों में झुकने के लिए तैयार। इंतजार किस बात का? झुके हमारे पास नहीं भाई, भाई। इंतजार किस बात का? झुके हमारे पास नहीं भाई, भाई।
नहीं माँ, नहीं, नहीं। जिसने हमारी माँ का ही नहीं, हमारी मातृभूमि का भी अपमान किया है, अब समय आ गया है कि हम इन दुष्ट अफगानों को खदेड़ के अपनी धरती के बाहर फेंक दें। जय मातृभूमि! जी उधर फौरन जाओ अपने तीरंदाजी दस्ते को लेकर और उधर से की फौज पर टूट पड़ो। हाँ, एक और बात, फौरन से पेशतर यहाँ की बगावत को हमें कुचलकर फौरन इस किले पर कब्जा जमाना है, समझे? अब जाओ। जी उधर किनारे प्रताप, किनारे मातृभूमि।